गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि जब हेडफोन का यहां से प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, 3.5 mm का जो पिन होता है यहां से अगर प्रॉब्लम आ जाए, यहां हिलाने से आपका बजे कभी कभी बंद हो जाए, तो आपको कैसे इसको ठीक करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ठीक करें। सबसे पहले आप इसको यहां से काट के हटा लें, ठीक है। उसके बाद आप इसको इतना लगभग छील लें। अब देखिए, आपको इसको निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा सख्त होता है, हार्ड होता है, इसके लिए आप इसको प्लायर का हेल्प लेके इसको ठीक कर सकते हैं, या कटर से काट के आराम से कर लीजिए सुरक्षित तरीके से, ताकि इसका अंदर का जो पिन है वो डैमेज ना हो, ठीक है। मैं कटर का हेल्प ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का, ज्यादा नहीं करना है, पर हल्का हल्का घाट बना देना है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा काट के खुद निकल जाएगा ये, ठीक है। आप देख पा रहे हैं किस तरह इसको हटाया जा रहा है, ठीक है। देखिए, अच्छा से जब निकल जाए इसको, पुराना जो कनेक्शन उसको आप हटा लीजिए, ठीक है। पुराना कनेक्शन को हटाने के बाद मैं बता देता हूँ आपको कनेक्शन, दो तरीका है। एक सबसे आसान तरीका आपके लिए कि आप क्या करें, कलर देख लीजिए कौन से कलर का तार कहाँ जुड़ा हुआ है, जैसे रेड यहाँ जुड़ा हुआ है, ग्रीन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लैक यहाँ जुड़ा हुआ है, और यहाँ गोल्डन का जगह था, ठीक है, गोल्डन नहीं दिख रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए, चार इसमें भी चार वायर होंगे आपके, ठीक है, चार वायर, सभी को आप एक एक करके अच्छे से इसको जला के क्लीन कर लीजिए, ताकि पॉलिश इसके ऊपर जो भी पॉलिश होता है वो हट जाए। पेस्टो देखा नया वाला, वो तो वीडियो देखा होगा, रुका रहा थोड़ा, रुको रुको। अब कहीं रहा है जहां रंगा लगा रहा साला बोर्ड, ये काम करना। बोलो बोलो बोलो, हल्का हो वो घुसे रहो पेस्ट में, कैसे नाजुक है आज आराम से, बस एक आप हटा दिया, ठीक है। अब हाँ, पेस्ट लिया, थोड़ी देर तक रख, थोड़ी देर तक रख ले रहे, घसे की जरूरत नहीं, थोड़ी रख ले तो वो हो जाए। आप लेमो घुसे तो मैं वीडियो चालू कर दी, हाँ हाँ इधर रख लेता, आपको बस आयरन को थोड़ा देर यहाँ पे होल्ड करना है,
ठीक है। आयरन को यहाँ पे अच्छे से रंगा लगा के बस यहाँ पे आपको ऐसे रखे रहना है, खुद से वो अच्छे से वहाँ पे रंगा लग जाएगा। जलाने से क्या होता है, ज़्यादा जल जाता है माचिस की तीली से अगर आप जलाते हैं तो ज़्यादा जल जाता है, लेकिन ऐसे करने से आपको बहुत आसानी से बस उतना ही जितना आपको ज़रूरत है उतना ही में रंगा लगेगा। एक एक करके मैं सब में लगा रहा हूँ, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। जब अच्छे से लग जाए तो फिर आपको मैं कनेक्शन बताता हूँ। अच्छे से जब रंगा लग जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको कट कर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको इंड नहीं रखना है। तो आप चाहें तो इसका कलर देख के भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको कनेक्शन अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको फिर उसके बाद कभी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि इसमें सबसे ऊपर जो पॉइंट दिख रहा है वो सबसे नीचे वाले का कनेक्शन है, उसके ऊपर वाला उसके नीचे वाले का, उसके ऊपर वाला उसके नीचे वाले का, और ये वाला सबसे नीचे वाले का, ठीक है। गौर से आप समझ जाइए, सबसे ऊपर वाला जो है वो सबसे नीचे वाला का है, उसके ऊपर वाला उससे नीचे वाले का, उसके ऊपर वाला उससे नीचे वाले का। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं आपको कंटिन्यूटी दिखाता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आप अच्छे से देखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा है। मैंने सबसे नीचे वाले पे रखा इसको, मीटर के एक प्रोब को सबसे नीचे वाले पे रखा। अब देखिए सबसे ऊपर वाला पे आ रहा है, सबसे ऊपर वाले पे आ रहा है, उसके ऊपर वाले का उसके ऊपर वाले में आएगा, उसके ऊपर वाले का उसके ऊपर वाले में आएगा, और ये तो सबसे ऊपर वाला डायरेक्ट ऐसे ही है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिन ऐसे रखते हैं, ठीक है, पिन मानते हैं ऐसे आप पिन बना रहे हैं, तो मानते ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, चार हुआ। ये स्पीकर का है, ये दोनों लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट स्पीकर का है, ठीक है। और ये जो है ग्राउंड, ठीक है, और ये जो है माइक, ठीक है। और इसी तरह सबसे ऊपर यहाँ अगर आप कनेक्शन के लिए आ रहे हैं तो सबसे ऊपर स्पीकर का देना है, उसके बाद वाले में भी स्पीकर का, उसके बाद वाले में ग्राउंड का, ठीक है, और उसके बाद वाले में माइक का, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ लगा, सबसे ऊपर वाला का, सबसे नीचे वाले का, उससे अच्छा उससे नीचे वाले का, इससे ऊपर वाले का, और इससे नीचे वाले का, इसके ऊपर वाले का, और ये दोनों तो सेम है। अब शायद आपको पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको कनेक्शन कैसे करना है। मल्टीमीटर का प्रोब किसी एक तार पर रखिए, ठीक है, किसी एक तार पर, गोल्डन पर रखिए, बेसिक अक्सर गोल्डन ही ग्राउंड होता है, गोल्डन पर मैं रख दिया, ठीक है। अगर आपको गोल्डन पर नहीं पता चलेगा तो मैं दूसरे तार पर रखूंगा, गोल्डन से मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कनेक्शन आपको क्लियर नहीं पता चलता है। तो एक पे रखिए, देखिए 35 ओम अप्रॉक्स, 35 ओम, 40 ओम, अंदर 50 ओम अगर दिखा रहा है तो वो स्पीकर का है, मतलब एक स्पीकर का कनेक्शन मेरा रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें लगभग 1500 आया, यानी 1500 ओम आए, तो समझ जाइए ये माइक का है, ठीक है। और देखिए इसमें फिर आ रहा है लगभग अप्रॉक्स 35 ओम के आसपास, यानी ये भी स्पीकर है, ये दोनों स्पीकर हो गया, ऊपर का दोनों स्पीकर हो गया, और ये माइक हो गया, और ये ग्राउंड हो गया। तो आप देखिए अब क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे आपको कलर में बता दूं तो एक में रेड देना है, एक में ग्रीन देना है, ये दोनों स्पीकर का था, मैं अभी देख करके आपको दिखाया, और ब्लैक जो है वो माइक में देना है, ठीक है, ब्लैक माइक में देना है, और गोल्डन जो है वो ग्राउंड देना है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप चलिए कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद आपको चेक दिखाता हूँ। पहले का जो तार है उसको आप अच्छे से हटा दीजिए, ध्यान से, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। देखिए हो गया।
अब आपको क्या करना है, रेड वाला सबसे ऊपर देना है, स्पीकर का है रेड वाला, ठीक है, रेड वाला सबसे ऊपर देना है, उसके नीचे ग्रीन वाला देना है। और रेड ग्रीन में आप उल्टा भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का दोनों स्पीकर का है, ठीक है। लेकिन आप भरसक प्रयास करें कि राइट स्पीकर जो भी है उसको सबसे ऊपर देने के लिए, यानी सबसे निचला वाला पॉइंट पे राइट स्पीकर का कनेक्शन आता है, तो सबसे ऊपर वाले का यहाँ पे राइट का कनेक्शन जो है सबसे ऊपर करें। मतलब अगर आप ये उल्टा कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बात सही है, लेकिन आपका लेफ्ट और राइट स्पीकर पर जो है उलट सकता है। अगर आप कनेक्शन यहाँ उल्टा कर दीजिएगा तो वहां पे भी आपका कनेक्शन उल्टा हो सकता है, मतलब राइट के बदले लेफ्ट और लेफ्ट के बदले राइट हो सकता है। तो आप क्या करें, राइट वाले का कनेक्शन हमेशा ही सबसे ऊपर वाले करिए, ठीक है। अब ऐसे सिंपल देख सकते हैं आप, रेड राइट, ठीक है, आर से रेड आर से राइट, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन आप चेक कर लीजिए स्पीकर में जो भी कनेक्शन आपको लगे कि ये राइट का है, ठीक है, उसको कैसे चेक करना है, आप हेडफोन कान में लगा लीजिए, उसका ग्राउंड और रेड वाले पे प्रोब दीजिए, अगर राइट राइट बजता है तो वो कनेक्शन राइट का होगा, लेफ्ट बजता है तो वो कनेक्शन लेफ्ट का होगा, सिंपल है, ठीक है। देखिए तीन हो गया, अब थोड़ा सा इसको घुमाइए, घुमाने के बाद, क्योंकि सारे कनेक्शन एक साइड में नहीं होते हैं, थोड़ा सा आपको भी घुमाना पड़ेगा, देखिए अच्छे से लग चुका है, ठीक है, अच्छे से जब कनेक्शन हो जाए आपको ध्यान देना है कि कोई भी तार एक दूसरे में टच नहीं रहे, ठीक है, टच नहीं रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से यहां पे किसी मजबूत धागे से पहले हल्का सा बांध देना है, उसके बाद कोई अच्छा सा गोंद जो सूखने के बाद हार्ड हो जाता हो वो आपको इसमें अच्छे से लगा देना है, आप अच्छे से उसको सांट के गोंद से, जब थोड़ा सा गोंद सख्त हो जाए उसके बाद आप इस स्लीव को लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और मजबूती मिल सके, क्योंकि आपने देखा कि कितने मजबूती से पहले लगाया गया था, उतनी मजबूती तो नहीं हो पाएगी लेकिन बहुत हद तक इसको किया जा सकता है, ठीक है। अब इतना पे भी आप अच्छे से लगा सकते हैं, और मैं आपको एक बार मीटर से ही चेक करके दिखा देता हूँ। मीटर लीजिए, मीटर का प्रोब यहाँ लगाइए, ग्राउंड, ये फर्स्ट वाला माइक का होता है, आपको मैं बता चुका हूँ, ये ग्राउंड होता है, ठीक है, सेकंड ग्राउंड से यहाँ देखिए, ये ठीक है, ये ठीक है, दोनों ठीक है, और यहाँ ठीक है 1500 के आसपास, ये भी ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को भेजें और कहें चैनल से जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।